طول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم محمد سفیان الدین سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی تلاوت سے ہماری آج کی اس جلسے کا افتتاح کریں۔ چلو دیو مخید دیو ادھر ادھر دیکھو محمد مجاہد صاحب سے بھی گزارے سے وہ بھی اثر صاحب سے گزارے سے وہ بھی ذرا آپ اثر بڑھا ذرا آپ آ گئے تو سرٹیفکیٹ ہے سیدھا پکڑ देखो दार इधर देखो वो मैं इधर देखो इधर इधर देखो इधर इधर देखो बहुत अच्छे मेहमान हैं कुछ याद आ गया जिसको दे दिया सर्टिफिकेट पकड़ो ना तुम्हें इधर देखो इधर इधर ये देखो मिलो ठहर ठहर समीर समीर बीच में आता चलो सदर साहब इधर पल उड़ा दो अरे इधर देखो सत्ता सा इधर इधर ठहर ठहर एक चल ठहर नाजिम भाई ठहरो एक चल ठहर हाँ चलो इधर पलट रहा नाजिम भाई नाजिम भाई इधर तमाम कमेटी वालों की तरफ से जनाब सदर साहब की गुलबोशी की जाएगी आ रहे आ रहे इधर रख इधर रख
फोटो दो अच्छा का वीडियो अच्छा का अच्छा ऐसे पकड़ो सीधे पकड़ो खाली अंदर आकर फोटो मार चलो थोड़ा इमाम साहब इधर करीब में बताओ मोहन साहब करीब में खड़ो शर्मा ना तो करीब में खड़ो इधर देखो इधर देखो साहब करीब में खड़ो ये नहीं तो पूरी बात खड़ो करीब में खड़ो सर्टिफिकेट इधर देखो आखिर इधर देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अजीज बच्चों और मोहतरम हजरात हम सब लोग इस वक्त जो यहाँ पर जमा हुए हैं आप हजरात को मालूम है कि हमारी मस्जिद में बच्चे और बच्चों को दीनी तालीम से आरस्ता किया जाता है इनको कुरान पाक सिखाया जाता है अदब व अखलाक सुनाया जाता है मेरे अजीज दोस्तों बच्चों की तालीम व तरबियत का आगाज की पैदाइश के साथ ही हो जाता है बच्चों की तालीम व तरबियत माँ बाप का किरदार सबसे अहम होता है हम जानते हैं कि माँ बाप की गोदी को पहले दर्जा कहा गया है मोहतरम हजरात तालीम व तरबियत ये वो दो चीज़ है जो इंसान की रूह की ग़िज़ा है बच्चे जब दुनिया में आकर अपनी आँख खोलते हैं तो इसके कान में जब अजान दी जाती है इसी लम्हे से इसकी तरबियत का आगाज़ हो जाता है माहरी नफ्सियात का मानना है बच्चे अपने माहौल का असर बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं और जो हकीकत भी यही है अपने किरदार आसपास और जो देखते हैं सुनते हैं इसे अपना लेते हैं इसीलिए सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें अच्छे माहौल में रखें अच्छी तरबियत दें